Welcome to the Classic Man Saloon. In this video, we will learn how to make an appointment using the application. यहाँ पर आपको एक साइड बार शो हो रहा है जिसके अंदर ऐप के तमाम फीचर शो हो रहे हैं. टॉप से सेकंड पर आप देखेंगे तो अपॉइंटमेंट का फीचर है आपके पास. मैं उस फीचर पर टच करता हूँ. ये मेरे पास दो इसने हेडिंग्स शो कर रहा है. यहाँ पे एक हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है कैटेगरीज़ की, सेकंड हेडिंग है लोकेशन की. कैटेगरीज़ के अंदर सैलून की तरफ से जो सर्विसेज हैं वो मुझे दिख रही हैं, और लोकेशन के अंदर के सैलून की जो ब्रांचेज हैं वो किस किस लोकेशन के ऊपर हैं. अब आपकी मर्ज़ी है, आप के नज़दीक वाली ब्रांच में जाना चाहते हैं, कोई स्पेसिफ़िक ब्रांच आपको पसंद है उसकी थीम, या वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो आपको पसंद है, तो आप उसके थ्रू भी अपना अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं. मैंने जो है यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट कर ली, लोकेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर गुलशन इकबाल. ये उस लोकेशन की सब डिटेल्स हैं, उसके ओपनिंग आवर्स हैं, आप यहाँ पे सब कुछ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं. ये उस मतलब सैलून की तरफ से जो हमें सर्विसेज दिख रही हैं या वो हैं जो उन्होंने सर्विसेज डाली हुई हैं, डील्स हैं ये उनकी, और ये उनकी सिंगल सर्विसेज हैं. प्रोवाइडर्स में जाते हैं तो ये वो लोग हैं जो उस ब्रांच के अंदर काम करते हैं. यहाँ पर उन्होंने अपनी इमेजेस डाली हुई हैं. अब सैलून चाहे तो अपने यहाँ पर कोई किसी भी टाइप की इमेज डाल सकता है, वो अपने स्टोर की इमेजेस डाल सकते हैं, वो अपने सर्विसेज की इमेजेस डाल सकते हैं, या वो अपने वर्कर की इमेजेस डाल सकते हैं. अब आपकी मर्ज़ी है, आप सर्विसेज को सेलेक्ट करके अपॉइंटमेंट करना बुक करेंगे या फिर प्रोवाइडर के थ्रू कि मुझे हमज़ा से बाल कटवाने हैं, या मुझे असद से बाल कटवाने हैं, या मुझे मंसूर अहमद से अपॉइंटमेंट बुक करना है. तो मैंने हमज़ा को सेलेक्ट कर लिया. ईमेल, अब ये मुझे बोल रहा है अगर ऑलरेडी मैं एग्जिस्टिंग मेंबर हूँ इस ऐप का तो मुझे सिंपली अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने हैं, अदरवाइज़ अगर मैं एग्जिस्टिंग मेंबर नहीं हूँ तो मैं अकाउंट क्रिएट करूँगा. थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन. अब मैं वापसी, क्योंकि इसने मुझे ऐप में रजिस्टर कर लिया है, अब मैं वापसी जाऊँगा अपने प्रोवाइडर पर. सही है, मैंने दूसरी लोकेशन सेलेक्ट कर ली थी, मेरी थी लोकेशन गुलशन इकबाल. प्रोवाइडर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं हमज़ा, मैंने हमज़ा से अपॉइंटमेंट बुक करना था, मैं हमज़ा पे गया. अब ये मुझे देखें हमज़ा की सर्विसेज शो कर दी कि हमज़ा क्या क्या सर्विसेज दे रहा है. अब मैंने बोला कि भाई मुझे हेयर कलर करवाना है, ठीक है. अब इसने मेरे सामने कैलेंडर शो कर दिया. अब मेरी मर्ज़ी मैं 29 को करवाऊँ, 30 को करवाऊँ, या फिर नेक्स्ट मंथ की, या मैं आगे की भी, नेक्स्ट ईयर की भी ले सकता हूँ मैं, कि लेकिन पीछे की कोई भी बुक डेट में बुक नहीं कर सकता. अच्छा 28 मतलब आज की जो डेट है जिस दिन ये वीडियो बन रही है उसमें देखें आप, यहाँ पे मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग के दिख रहे हैं 29 के, लेकिन 28 में नहीं दिख रहे क्योंकि वो स्लॉट्स निकल चुके हैं, वो टाइमिंग निकल चुकी है. अब क्योंकि यहाँ पे जो है अभी इस वक्त जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो 7:50 हो रहे हैं, तो उसके बाद की टाइमिंग्स मुझे शो हो रही. मैंने 9:30 के ऊपर मैंने टाइमिंग सेलेक्ट कर ली. अब ये मुझे बोल रहा है फ़ोन नंबर डाल दें. फ़ोन नंबर क्यों ये यहाँ पे मांग रहा है, क्योंकि अकाउंट क्रिएशन के वक्त इसने हमसे फ़ोन नंबर नहीं मांगा था. बाकी आप मेरी डिटेल देख रहे होंगे, फ़र्स्ट नेम भी फील्ड है, लास्ट नेम भी फील्ड है, ईमेल भी फील्ड है. मैंने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल दिया. अगर आप कोई मैसेज लीव करना चाहते हैं कोई स्पेसिफ़िक तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऑप्शनल छोड़ सकते हैं. वहाँ पर लिखा हुआ है ये ऑप्शनल है. यहाँ पे आपको या आपसे कंफर्म कर रहा है कि यही आपकी डिटेल्स हैं, आप सब चेक कर लें एक दफ़ा. और यहाँ पे आपको अमाउंट दिख रही है, कंटिन्यू कर दिया. पेमेंट ये सैलून जो है बोल रहे पे एट द स्टोर, इनका पेमेंट ऑप्शन है, आपने सेलेक्ट कर लिया कंटिन्यू. जी हम इसी पेमेंट ऑप्शन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं. ये पीछे प्रोसेसिंग हो रही होती है तो इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा होता है. दूसरी वजूहत इसकी ये होती हैं कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पे नेट की स्पीड स्लो है, या नेट के सिग्नल सही नहीं आ रहे हैं, तो डेट्स वाई ये थोड़ा डिले दे रहा होता है. अब इसने मुझे बता दिया योर बुकिंग हैज़ बीन कंफर्म. अब मैं, ये मेरी बुकिंग की मुझे समरी दिख रही है, मैं चाहूँ तो मोर इन्फो अगर करूँगा तो ये मेरी बुकिंग की डिटेल्स मुझे दिखा रहा है. अब आपको एक फ़ीचर मैं बताता चलूँ, अब सैलून की तरफ से आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगी, और क्या कहते हैं
उन्होंने आपकी बुकिंग कैंसिल कर दिया, एक्सेप्टेड कर लिया, जो भी आपको कॉल करेंगे कि सर आपने बुक करा है, तो ये अब सैलून की साइड से प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर एक अकाउंट का आइकन है, मैं उस आइकन पर टच करता हूँ, तो यहाँ से देखें मैं अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं अपने सारे अपॉइंटमेंट्स देख सकता हूँ। ये मेरा अपॉइंटमेंट मुझे दिख रहा है, अगर मैंने मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स करे हुए तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहे होंगे। नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन होती है कि आपने मैंने बुकिंग करवाई हुई है 9:30 की, तो मुझे कितने पहले ईमेल पे रिमाइंडर आ जाए, तो सिंपली यहाँ पे मैं 2 आवर सेलेक्ट कर लूँगा कि भाई मुझे 1 आवर पहले नोटिफिकेशन सेंड कर देना ईमेल पे कि मेरा अपॉइंटमेंट है, ताकि मैं रेडी वगैरह हो जाऊँ। तो ये है सिंपली अपॉइंटमेंट का तरीका, आपने सिंपली अपना अपॉइंटमेंट ऐसे बुक कर सकते हैं। थैंक यू।